तारनगरी के जिला अस्पताल में भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला अस्पताल के SIC डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने जिला अस्पताल परिसर में 30 अधिक पौधों का रोपण किया। दुनिया भर में 5 जून के दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ताज नगरी में भी रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला अस्पताल में भी SIC डॉक्टर अशोक अग्रवाल के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला अस्पताल के कई वरिष्ठ चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ अन्य सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहे। इस दौरान 30 से अधिक पौधों का रोपण जिला अस्पताल में किया गया। सर, हमारे यहाँ 25 पौधा रोपण हो रहे हैं और विश्व जितने भी तरह पोल्यूशन को हमें कम करना है। पेड़ जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना पोल्यूशन कम होगा, पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है हमें और भी हमारी जरूरत की सामग्री भी पूरी होती है इससे। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम ओनली वन अर्थ पर आधारित रही। इस नारे के माध्यम से पूरी पृथ्वी को एक मानकर इसके संरक्षण के लिए प्रयास करने का संदेश दिया गया। जिला अस्पताल के SIC डॉक्टर अशोक अग्रवाल का कहना है कि बदलते रहन सहन के चलते वृक्षों को अधिक नुकसान हो रहा है, जिसके चलते हमारा पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। यदि पर्यावरण को बचाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ों की कटाई के साथ ही देखा गया है कि अब पक्षी गायब होने लगे हैं, चिड़िया गायब होने लगी है। लेकिन लोग अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे तो हो सकता है कि विलुप्त तो होते जा रहे पक्षियों की संख्या फिर से बढ़ने लगे, फिर से पक्षियों की चहचहाट हमारे आसपास सुनाई देने लगे। नहीं, चिड़िया कम हो गई हैं सर, ये जंगलों की तरफ चली गई हैं, लेकिन पेड़ हमारे यहाँ मिलेंगे तो उन्हें निवास स्थान मिलेगा तो जरूर आएंगे लौट के वो लोग। और दूसरा, वो इकोलॉजी को मेंटेन करते हैं, हर एक कोई जो भी जानवर है, चिड़िया है, तो ये बहुत जरूरी है हमारी मानव जाति। पेड़, एक पेड़ तो हर एक जने को लगाना चाहिए हर साल। सभी लोगों को यही संदेश है कि सब लोग पर्यावरण से जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे, जितना अटैच रहेंगे, उतना सब पूरी मानव जाति के लिए उचित रहेगा। सबको पेड़ लगाने चाहिए, एटलीस्ट जो है जितना संभव हो सके उतने पेड़ लगाने हैं और उनकी देखभाल करनी है। इसलिए हम लोग जितना पेड़ों से नज़दीकी अपनी बनाए रखेंगे, एटमॉस्फेयर भी बेहतर रहेगा और जानवरों के हिसाब से, मानवों के हिसाब से जो भी जहाँ व्यवस्थाएँ हैं, ऑक्सीजन हमें प्रॉपर मिलेगी, सारी चीज़ें व्यवस्थाएं रहेंगी और गर्मी का जो प्रकोप चल रहा है उसमें भी बहुत निजात मिलेगी। जितने पेड़ ज़्यादा लगेंगे टेम्परेचर भी बहुत मेंटेन होगा उससे। देखिए, वृक्षारोपण में अभी 25 पौधे तो लग चुके हैं और करीब 50 पौधे करीब और रखे हुए हैं, उनको शाम को हम लोग लगाएंगे। और पोटेड प्लांट्स भी आए हैं हॉस्पिटल में जो लगेंगे। दरअसल बात यह है कि जैसे आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, खासतौर से आगरा का ज्यादा रहता है, तो हम लोग वृक्ष लगाएंगे तो टेम्परेचर में भी सुधार आएगा। बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ था। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सहित कुल 119 देश के प्रतिनिधियों ने इसमें शिरकत की थी। सी न्यूज़ के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।